दोस्तों, हमारे मोटर और जो पंखे होते हैं इनके अंदर कौन सा ग्रीस लगाया जाता है, कौन सी कंपनी का ग्रीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बैरिंगों के अंदर कंपनियाँ ग्रीस का इस्तेमाल करती हैं जो जेल टाइप से होता है, वो कौन सा ग्रीस होता है, क्या मार्केट के अंदर वो ग्रीस मिलता है, और जो मार्केट के अंदर ग्रीस मिलता है क्या हम उसको अपनी बैरिंग के अंदर लगा सकते हैं, ग्रीसिंग की क्वालिटी क्या होना चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए और बैरिंग में ग्रीस का जो परफॉर्मेंस है वो कितना होना चाहिए, ये सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ध्यान से अगर देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलेगी, काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ रामू प्रसाद और आप हैं एसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नॉर्मली जो हम लोग बैरिंग इस्तेमाल करते हैं अपने दुकानों के ऊपर अपनी मोटरों के अंदर मतलब लगाने के लिए, और उसके अंदर जो ग्रीस लगी हुई रहती है, कई बार उसके अंदर कुछ ग्रीस कम होती है तो हमें अलग से उसके अंदर ग्रीस डालना पड़ता है। अब बहुत लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होती है कि जो इसके अंदर ग्रीस पहले से लगा हुआ है क्या वो कम है, क्या कंपनियां कम ग्रीस डाल करके देती हैं जो हमें अलग से लगाना चाहिए। लेकिन कईयों में दोस्तों ग्रीस बिल्कुल भी नहीं आती है, इसलिए अगर हम उसको फिट कर देंगे केवल ऑयल डाल करके, बहुत लोग देते हैं ज़्यादातर जो लोकल बैरिंग यानी कि पुरानी बैरिंग को ही रिफ्रेश करके नया बना देते हैं, वो लोग क्या करते हैं केवल ऑयल डाल के देते हैं, उसमें ग्रीस नहीं होता है। ठीक है, तो बिना ग्रीस के अगर बैरिंग को हम डाल देंगे किसी मोटर के अंदर तो एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के अंदर या दो घंटे के अंदर भी उसके अंदर आवाज़ आ जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों हमें अपनी बैरिंग के अंदर कौन सा ग्रीस लगाना चाहिए, कंपनियाँ कौन से ग्रीस का इस्तेमाल करती हैं, दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, जो कंपनियां अपनी बैरिंग के अंदर जो ग्रीस इस्तेमाल करती हैं वो दोस्तों होता है लिथेनियम आधारित, जो कि दोस्तों वो ग्रीस थोड़ा बहुत ऑयली भी होता है, यानी कि पूरी तरह से टाइट नहीं होते, जैसे हमारे आम ग्रीस होते हैं वो टाइट होते हैं, थोड़े गाढ़े से होते हैं बहुत ज्यादा, वो इतना टाइट नहीं होता, वो जेल टाइप से होता है, ढीला ढीला सा होता है। दोस्तों उसका जो वास्तव में नाम है वो यही कि लिथेनियम आधारित ग्रीस होता है वो, और ये ग्रीस दोस्तों आमतौर पर रोलिंग वाली बैरिंग के अंदर उपयोग किया जाता है, और ये इस प्रकार की ग्रीस होने की वजह से ही हमारी बैरिंग के अंदर जो उसकी वॉल होते हैं, इसकी जो गोलियां होती हैं, उसके जो छर्रे होते हैं, उसके साथ में ये चिपक करके चल रहा होता है, तभी हमारी बैरिंग की जो लाइफ होती है दोस्तों बढ़ी रहती है। और वहीं पर अगर हमारी बैरिंग जब चलने लग जाए और चलने के कारण उसके अंदर स्पीड बने तो उसके अंदर जो ग्रीस है वो दूर हो जाए, तो ऐसे में हमारे जो रोलर बैरिंग के छर्रे हैं वो सूख जाएंगे, और सूखने के कारण ही दोस्तों उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो दोस्तों इसलिए उसके अंदर जो कंपनियां लगाती हैं वो तो लिथियम आधारित ग्रीस होता है, लेकिन हम जो ग्रीस लगाते हैं वह ग्रीस होता है दोस्तों जो कंपनियां बनाती हैं, यानी कि जैसे कि SKF की बैरिंग आती है तो SKF का ग्रीस आता है, कास्ट्रोल का ग्रीस आता है, इंडियन ऑयल HP का ग्रीस आता है। दोस्तों ये सब जो कंपनियां ग्रीस बनाती हैं तो इन सबको लगाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसका टेम्परेचर कितना है, वो रोलर बैरिंग के अंदर लगने के बाद में कितने समय तक चलेगा, यानी कि कितने किलोमीटर की दूरी को वो तय करेगा। दोस्तों ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है, तो चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों मैं भी जो अपनी दुकान के ऊपर मैं ग्रीस का इस्तेमाल करता हूँ वो SKF की ग्रीस का इस्तेमाल करता हूँ, लोकल ग्रीस मैं नहीं लाता, यानी कि इसके अलावा कोई ग्रीस नहीं लाता, लोकल कहने का मतलब मेरा यही है। ठीक है, तो SKF की ग्रीस लाता हूँ क्योंकि SKF का नाम है मार्केट के अंदर, और ये बढ़िया बैरिंग बना के देती है, जो भी इसकी बैरिंग लेता है उसके मोटर की बैरिंग, उसकी गाड़ी की बैरिंग जल्दी से खराब नहीं होती, क्योंकि हाई क्वालिटी की, सबसे बढ़िया हाई क्वालिटी की बैरिंग बना करके देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनियां जो बढ़िया बढ़िया बैरिंग बनाती हैं, लेकिन दोस्तों ये कंपनियां काफी चलन में है, अच्छा काम करके देती है, इसलिए दोस्तों इसका जो ग्रीस होता है ये भी काफी अच्छी क्वालिटी का होता है। इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ अपनी दुकान पर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आज तक मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। अब बहुत लोग सोचेंगे कि SKF का मैं प्रमोशन कर रहा हूँ, तो भाई ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं ये अपनी तरफ से, किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि सर जी हमें अपनी बैरिंग के अंदर कौन सी कंपनी का ग्रीस इस्तेमाल करना चाहिए, और जो कंपनियां अपनी बैरिंग के अंदर ग्रीस इस्तेमाल करती हैं वो कौन सा ग्रीस होता है, इसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा था, जिसके अंदर मुझे दोस्तों ये दिखाना था कि अगर आपको भी अगर बैरिंग के अंदर ग्रीस लगाना हो और आपको नहीं समझ में आता कि मुझे कौन सा ग्रीस लगाना चाहिए, कास्ट्रोल का या HP का या और किसी कंपनी का, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं मैं तो ये इस्तेमाल करता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा इसके ऊपर भरोसा है, मैंने इस्तेमाल कर रखा है, आपको लेना हो तो आप भी इसको ले सकते हैं, बाकी इसके अलावा आप किसी भी कंपनी का लेना चाहें तो उसको भी आप ले सकते हैं। देख सकते हैं आज से बहुत दिनों पहले मैंने आधे किलो का डब्बा मंगाया था और अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। अब दोस्तों चलिए बताते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या खासियत मिलती है। दोस्तों जो भी आप ग्रीस लेते हैं मार्केट से जाकर के, वहां पे दोस्तों आपको ये देखना चाहिए कि वो जो ग्रीस है दोस्तों वो कितने किलोमीटर तक चल सकता है, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो लाइफ है वो कैसी है। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे हम SKF का ग्रीस इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी लाइफ अप टू 30,000 किलोमीटर, यानी कि जिस भी बैरिंग के अंदर ये लगेगा इसके ऊपर 30,000 किलोमीटर तक कम से कम वह है हमारा जो रोलर बैरिंग होता है वो घूमेगा, यानी कि हमारी जो एक छोटी सी गोली होती है वो 30,000 किलोमीटर तक घूमती रहेगी, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इस ग्रीस की है। और इसके अलावा दोस्तों आपका जो ग्रीस होता है उसका जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, दोस्तों उसका जो टेम्परेचर है 30 से लेकर के 130 के बीच में होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 120 डिग्री सेल्सियस तक का इसका टेम्परेचर है, जो कि दोस्तों 30 से लेकर के 130 के बीच में ही है।
और इसके अलावा दोस्तों ये जो ग्रीस है आपका, ये सुपीरियर रस्ट ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस है। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी जो ग्रीस है ये जहाँ पे भी लग जाएगी वहाँ पर दोस्तों उस लोहे के अंदर, उस बैरिंग के अंदर, उस स्टील के अंदर कभी भी जंग नहीं लगने पाएगा। दोस्तों आप कोई सा भी ग्रीस इस्तेमाल करते हैं अगर उसके अंदर ये सब क्वालिटी है या इसके आस पास भी है तो भी उसका इस्तेमाल आप आँख बंद करके कर सकते हैं। दोस्तों ये तो मैं अपने इस्तेमाल के लिए रखा है मैंने, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट से भी इसको मंगा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन में अगर मिलता है तो ऑनलाइन में ले लीजिए, ऑफलाइन में मिलता है तो आप ऑफलाइन से भी इसको ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ग्रीस है, मैं इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह की वीडियो, इसी तरह की जानकारी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।